सो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। गाइस आज की जो वीडियो है थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आई होप गाइस आप लोग सभी ठीक होंगे और गाइस आप लोग दिवाली जो है अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सैन ओ टू क्रैकर्स और हेल्दी दिवाली बना रहे होंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की जो वीडियो है, गाइस इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो थी हमारी कलर कटर्स के ऊपर। उसमें मैंने स्ट्रिक्स के जो स्ट्रिक्स आर्गन सीक्रेट्स होती है उसके ऊपर उनके जो कटर्स है उनके बारे में बात कर रही थी, जो उनके कटर्स आते हैं। तो काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने उसमें बताया था कटर आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और उसको जैसे वो ग्रीन आता है, वॉयलेट ब्लू आता है, तो उसको कुछ लोग फंकी कलर समझते हैं। मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो वीडियो अच्छे से आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, जो मेरे पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था इंस्टाग्राम पे वो ये क्वेश्चन आ रहे थे गाइस कि जो कलर कटर्स होते हैं क्या वो हम ब्लेंडर में मिक्स कर सकते हैं। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पे ये क्वेश्चन आ रखे जब मैं कलर कटर की वीडियो बनाता हूँ, तो टाइम थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है तो स्कीप हो जाता माइंड। तो आज इस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ब्लेंडर होता है वो हमें हाई लिफ्टिंग यानी कि प्री लाइट हम जो करते हैं वो लिफ्टिंग के लिए होता है। जैसे कि कोई डार्क हेयर हमारे पास आ जाते हैं उनको हमें लिफ्टिंग देनी होती है, तो कुछ ऐसे शेड्स होते हैं वो डायरेक्ट नहीं आ पाते। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर डार्क हेयर है तो उसके ऊपर जो आप ब्लोंड कलर करना चाहते हो वो ब्लोंड कलर नहीं आएगा, चाहे आप 10 नंबर का ट्यूब लगा दो या 13 नंबर की मैची लिफ्ट लगा दो, चाहे 40 वॉल्यूम से लगा दो उस पर, चाहे क्लिंग रैप कर दो या इतनी हीट दे लो, कुछ भी नहीं होने वाला। वो सिर्फ लिफ्टिंग गाइस उतनी ही देगा जितनी वो लिफ्टिंग देता है। तो डार्कर हेयर पे हम प्री लाइट करते हैं देन ब्लोंड हेयर का डिजायर सेट डिपॉजिट करते हैं, तब हमें ब्लोंडर काम आता है जब डार्कर हेयर को हमें लिफ्टिंग देनी होती है। ठीक है, डार्कर हेयर को हमें लाइटर की साइड जाना होता है जब हमें ब्लोंडर काम आता है। और अब बात कर लेते हैं गाइस कि ब्लोंडर में कटर डालना ठीक रहेगा क्या, ब्लोंडर में हम कलर कटर को मिक्स कर सकते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं पहले कि हम कलर कटर को मिक्स ब्लेंडर में कब कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपने देखा होगा गाइस जो फंकी कलर्स होते हैं, रेड हो गए, ब्लू हो गए, ग्रीन हो गए, वॉयलेट हो गए वगैरह वगैरह, जो ये फंकी कलर्स होते हैं ना, तो इनको कट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। आपने जैसे कलर व्हील पढ़ा हुआ है, आपने उसमें पढ़ा हुआ है कि रेड कलर है उसके ऊपर ग्रीन कर दो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन कलर व्हील की जो थ्योरी होती है ना आपने प्रॉपर पढ़ी होगी, तो वो हमेशा कहता है कि कलर व्हील जो है उसके आमने सामने की रिफ्लेक्शन को कट करता है। जैसे रेड सामने होता है तो उसके नीचे ग्रीन होता है तो उसकी रिफ्लेक्शन को कट करता है। तो ये यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, कलर की बात नहीं कर रहे। रिफ्लेक्शन कलर में आपको मैं फ़र्क बता देता हूँ, कलर जो होता है वो प्रॉपर, अब मैं कहता हूँ कि ये वाइट है, ये वाइट कलर है, तो ये एक वाइट कलर है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये गोल्ड कलर है लेकिन रिफ्लेक्शन जो कॉपर की आ रही है, जो उसमें दिख रही है ना रिफ्लेक्शन वो कॉपर है। ठीक है गाइस, अगर आपने रेड फंकी कलर करा है तो कभी भी उस पर ग्रीन कलर डाल के देखना, तो वो उस टाइम तो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपको पता है कि फंकी कलर बालों में स्टे भी नहीं करते, आपने देखा होगा बालों में फंकी कलर का स्टे करते हैं, वॉश आउट होते 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 वो वापस वही आ जाते हैं। अगर आप रेड कलर को ग्रीन कलर से कट कर रहे हो ना, तो वो एक तो न्यूट्रल हो जाएगा, वो ब्राउन ब्राउन से शेड का आएगा, वो बिल्कुल भी स्टे नहीं करेगा, ना वो रेड देखेगा ना फिर वो ग्रीन देखेगा। तो एक्चुअल प्रोफेशनल टेक्निक क्या है फंकी कलर को कट करने के लिए, आप ब्लोंडर प्री लाइटनर यूज़ कर सकते हो। आपने देखा होगा फंकी कलर है, फेड हो गया, वो थोड़ा कॉपर इसमें चला जाता है, फिर धीरे धीरे वो कॉपर ब्राउन में चला जाता है। तो रेड कलर को आपको कट करना, तो उसके ऊपर पहले आपको ब्लोंडर यूज़ करना पड़ेगा। आपको हमेशा ब्लोंडर स्टार्टिंग में 20 वॉल्यूम लेकर ही चलना है, डायरेक्ट 40 वॉल्यूम नहीं लेना है। तो आपको 40 वॉल्यूम यूज़ नहीं करना है, 20 वॉल्यूम यूज़ करना है। 20 वॉल्यूम में आप उसको प्री लाइट करेंगे उस फंकी कलर पर जहाँ आपको फंकी कलर है, क्योंकि जब आप क्लाइंट डिजायर शेड पसंद करती है, डिजायर शेड हम एक साइड रख देते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट वर्क क्या होता है उस कलर को कट करना। पहले उस फंकी कलर को हम कट करेंगे, ठीक है, निकालेंगे उसके पिगमेंट्स जो है उसके बाहर निकालेंगे उसके पिगमेंट, तो वो इतने इजीली कटते भी नहीं है। आपने अगर फंकी कलर कट किया होगा तो गाइस आप सभी को बताओ वो इतना इजी तरीके से कट नहीं होता। ब्लोंडर लगाने के बाद भी रेड या फिर ग्रीन कलर कट करो इतने डीट होते, ग्रीन कलर तो एकदम स्काई ब्लू सा हो जाता है, आपने देखा होगा। और अगर वॉयलेट कलर कट कर रहे हो तो वो भी ग्रीन ग्रीन सा दिखता है, रेड कलर कट कर रहे हो तो फिर उस पर अंदर प्री लाइटनर लगाते तो कॉपर कॉपर ऑरेंज ऑरेंज सा शेड बन जाता है, अतरंगी शेड बन जाती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं गाइस, कटर मिक्स कर सकते हैं। अगर आप रेड कलर कट कर रहे हो ना, तो आपने 20 वॉल्यूम में प्री लाइटनर बनाना है,
तो आप उसमें ग्रीन कलर मिक्स कर सकते हो, ग्रीन कटर, यानी कि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, चाहे वो स्टिक्स का हो, चाहे वो स्वास्कॉफ का हो, चाहे वो लोरियल का मैजी मिक्स हो, आप इसमें से कोई सा भी कलर मिक्स कर सकते हो, लेकिन उसका ओपोजिट होना चाहिए कलर कटर, ठीक है, उसका एंटी होना चाहिए। अब आप मान लो कि कॉपर कलर आपने किसी क्लाइंट को फंकी कॉपर कलर किया था, ठीक है, फंकी ऑरेंज कलर किया था, उसको कट करने के लिए ब्लेंडर लेना, उसके अंदर ब्लू कटर डालना, ठीक है, ब्लू कटर मिक्स करना, देन उसके ऊपर प्री लाइट करना, ठीक है, उसको आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे आपको लिफ्टिंग के साथ साथ जो उसके कॉपर के पिगमेंट है वो भी न्यूट्रलाइज हो रहे, कट हो रहे अच्छी तरीके से, कोई अटरंगी शेड नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। भाई अब बात कर लेते हैं इसकी मिक्सिंग रेशियो क्या होनी चाहिए, ब्लेंडर कितना होना चाहिए, कलर कटर कितना होना चाहिए, क्या वो 20 वॉल्यूम से सिंगल बार में ही, मतलब एक ही बार करने से कट हो जाएगा, तो इसको हम ज्यादा अच्छे समझेंगे गाइस बोर्ड पे। तो गाइस आप बोर्ड की तरफ चलते हैं, आपको अच्छे से ज्यादा समझ आ जाएगा। तो गाइस जैसा कि आपको दिख रहा होगा हेडिंग ब्लेंडर प्लस कटर, तो गाइस पहले मिक्सिंग रेशियो की बात करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। आपने जैसे हेडिंग देखा होगा ब्लेंडर प्लस कटर, तो गाइस देखिए पहले कटर की बात आती है तो सबसे पहले कलर व्हील तो बहुत जरूरी है, रेड ब्लू येलो वॉयलेट ऑरेंज ग्रीन, आमने सामने की रिफ्लेक्शन को ये सब कट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी के हेयर पे, मैं आपको हेयर बना देता हूँ, किसी ने आपसे फंकी कलर कराया था, ठीक है, फंकी में एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, अभी हम मान के चल लेते हैं रेड, ठीक है। अब न्यू ग्रोथ जो है उनकी, ये ऊपर की जितनी भी है ये सारी न्यू ग्रोथ है, ठीक है, ये सारी क्या है इनकी न्यू ग्रोथ। अब जो उनका नीचे का जो शेड आ रखा है उसको हटाना है आपको, ठीक है। अब रेड पे वो ब्राउन की सीरीज में जाना चाहते हैं, क्योंकि गाइस रेड ना ब्राउन की सीरीज में इजीली चला जाता है, ठीक है। तो अगर ब्राउन की सीरीज में भी नहीं जा सकते तो आप कोई भी डिजायर शेड लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम इसमें जो टॉपिक में बात कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं मैन की ब्लेंडर में कटर मिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता। डिजायर शेड तो काफ़ी ज़्यादा है, कोई सी भी आप कर सकते हो अगर आपका एक कलर कट हो जाए तो इस वीडियो में पहले कट करना सीखते हैं। तो आपको गाइस सबसे पहले आपको प्री लाइट जो करनी है, ब्लेंडर लेना है, ठीक है, प्लस 20 वॉल्यूम, मैंने आपको बताया पहले 20 वॉल्यूम लेकर ही चलना है, ठीक है। अब ब्लेंडर प्लस 20 वॉल्यूम, इसका जो मिक्सिंग रेशियो रखेंगे वो हम रखेंगे 1:1.5, ठीक है, उसका डेढ़ गुना। अगर हम ब्लेंडर अगर हम 10 ग्राम ले रहे हैं तो हम इसको लेंगे 15 ml डेवलपर, ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे। अब बात करते हैं कटर्स कितना ऐड करना है, कटर्स कौन सा डालेंगे जो क्लाइंट के बालों पे कलर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, रेड का क्या है ग्रीन कटर आते हैं, ग्रीन कटर लेना है, ग्रीन कटर को आपको 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम किस में, अगर आप एक पूरा ट्यूब ले रहे हो 60 ग्राम या फिर 50 ग्राम का ट्यूब आ रहा है इसमें 12.5 ग्राम डालना है। अगर आप 60 ग्राम या 50 ग्राम ब्लेंडर ले रहे हो तो आपको 12.5 ग्राम उसमें कटर डालना है, चाहे वो कटर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब मिक्सिंग रेशियो की बात करें तो गाइस मिक्सिंग रेशियो आपको सिर्फ ब्लेंडर और 20 वॉल्यूम का ही रखना है, 1:1.5। अगर आप ऐसा मत करना कि 10 ग्राम आपका ब्लेंडर हो गया तो 12.5 ग्राम आपका कटर हो गया, तो टोटल ये आपका बन गया टोटल आपका क्या बन गया 22.5 ग्राम। ऐसा नहीं करना है, कटर को आपको गिनती में नहीं लेना है, ठीक है, कटर आपको गिनती में नहीं लेना है, आपको हमेशा ब्लेंडर और 20 वॉल्यूम को ही गिनती में लेना है। 10 ग्राम ले रहे तो 15 ml आपका डेवलपर हो जाएगा। तो गाइस आपको कटर इस तरीके से यूज करना है, उसमें आप डाल सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं, आपने किसी के हेयर पे ग्रीन करा है, ठीक है, ग्रीन कलर करा है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें सेम टेक्निक ये रहेगी, जो कटर आप यूज कर रहे हो वो रेड का यूज करोगे। अब आप बोलोगे रेड का तो कटर आता ही नहीं है, तो आप पता है क्या करोगे गाइस, स्ट्रिक्स में आता है फ्लेम रेड के नाम से आता है, आप वो एज अ कटर यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ रेड के पिगमेंट चाहिए जो ग्रीन के साथ मिक्सअप हो सके और वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो आज की वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि हम ब्लेंडर के अंदर कटर मिक्स कर सकते हैं, ब्लेंडर में कटर यूज नहीं कर सकते।
और गाइस बात करते हैं कि एक बार में कलर कट हो जाएगा। गाइस ये डिपेंड करता है कि कलर कितना ज्यादा पुराना है। अगर आप क्लाइंट ने कल ही कराया है तो आप ये नहीं कि उनको अगले महीने कलर कट करने लग जाओगे तो वो एक बार में चला जाएगा। नहीं, कलर जितना पुराना है उतना जल्दी कट होगा, वो 20 वॉल्यूम से हो जाएगा। कलर थोड़ा फ्रेश है, नया है, तो 20 वॉल्यूम से अगर नहीं गया तो आगे आपको 30 वॉल्यूम यूज करना पड़ सकता है। अगर बाल ज्यादा पतले है तो 20 वॉल्यूम से ही दो बार आपको प्री लाइट करने पड़ेगी, दो बार आपको प्री लाइटनिंग करने पड़ेगी। बस आपको इस जो पूरी कलर की गेम है उसमें आपको विजुअली चेक करना है वहां खड़े होकर कलर कितना कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आफ्टर कलर कटिंग के बाद आप डिजायर सेट जो है क्लाइंट की उस पर डिपोजिट करोगे। डिपोजिट आपको आता ही है, आप अगर 10 वॉल्यूम में करते हो 10 वॉल्यूम में कर लो, 20 वॉल्यूम में करना चाहते हो तो 20 वॉल्यूम में डिपोजिट कर सकते हो। तो गाइस सबसे जो चैलेंजिंग गेम होती है वो कलर कट करने की होती है। तो गाइस फंकी कलर को कट करने के लिए प्री लाइटनर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सभी को पता भी होगा। और जो हमारे बिगिनर्स फ्रेंड्स हैं उनको मैंने बता दिया, ब्लोंडर से ही फंकी शेड कट हो सकती है, अदरवाइज कोई दूसरी टेक्निक्स है वो आप केराटिन कर दोगे फेड हो जाएगा, तो वो गाइस प्रोडक्ट वेस्ट करने वाली बात होती है। उसके ऊपर केराटिन कर दोगे, जब क्लाइंट को केराटिन नहीं करानी, कलर ही कट कराना है तो आप केराटिन थोड़ी लगा दोगे, तो गाइस वो बात अलग हो जाती है। तो गाइस आई होप गाइस आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी। इस वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।